अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है जी सब दोस्त कह रहे हो सही थी। जहाँ भी होंगे दोस्त वगैरह जो भी है खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही मैं अपने रूम से निकला तो दिल में एक आज एक ख्याल था आया कि आज मुझे जो है ना, दिल में ऐसे ख्याल आया कि आज अबू धाबी का कोई ट्रिप वगैरह मिल जाए तो मैं अबू धाबी का आज जो है ना चक्कर लगा लूँ। वैसे तो हम लोग जाते रहते हैं हफ्ते में एक दो दफ़ा, ठीक है ना। तो मैं फजीरे का भी चक्कर लगा के आया था न्यू ईयर में, ठीक है ना। वो भी मेरी वीडियो जो है ना यूट्यूब के ऊपर खड़ी हुई है। तो मैं ऐसे सोच के रूम से जैसे बाहर निकला तो आया, जैसे डेली की रूटीन है, गाड़ी में आया, नाश्ता वगैरह किया, ठीक है ना। और थोड़ी देर ऐसे गुजरने के बाद ही फिर तो दोस्तों, जैसे ही मैं गाड़ी के पास आया तो आरे भाई और आमिर भाई मुझे जो है ना मिल गए। तो आरे भाई को मैंने बोला कि आरे भाई आज जो है ना अबू धाबी का ट्रिप लगाना है, ठीक है ना। तो आरे भाई से ऐसे ही बातचीत हो रही थी तो बीच में एक कार आ गई। तो बाकी जो है ना वो आरे भाई खुद बताएंगे कि क्या हुआ। तो आरे भी क्या हुआ यार? आज दोस्तों मैं सुबह सुबह आया इधर, गाड़ी में गाड़ी खड़ाई, मैंने पार्किंग लगाई तो बशीर भाई मेरे पास आए, बोले आज मेरे को अबू धाबी का ट्रिप चाहिए। इंशाल्लाह आ जाएगा, अबू धाबी का ट्रिप भी आ जाएगा आपके लिए। तो आमिर भाई को भी बोला इसने, बशीर भाई ने, तो 5-10 मिनट में मुझे कॉल आ गई कस्टमर की, भाई अबू धाबी जाना है कॉर्निश एरिया में। मैं बड़ा मुश्किल है भाई जाएंगे, तो बशीर भाई साथ में बैठा था, बशीर भाई खुश होने लग गए। तो मेरे को भाई चाहिए अबू धाबी का ट्रिप, मैं बोला बशीर भाई आप मुश्किल नहीं है, चले जाओ, हम दूसरे काम में चले जाते हैं। तो मेरे को एक दूसरा ट्रिप आ गया शारजा का। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, ठीक है ना, आपके दिल में भी कोई अच्छी ख्वाहिश हो वो पूरी हो गया, तो हमारे साथ कमेंट में लाजमी शेयर करना दोस्तों। बाकी जो मैं अबू धाबी में गया हूँ दोस्तों, वो मैंने आपको आपके लिए वीडियो जो है ना इसी वीडियो में जो है ना ऐड कर दिया है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और भाई मेरे को शारजा का ट्रिप मिल गया तो मैं उधर चला गया, शारजा से जाना था, अभी कस्टम में जाना था, डिलीवरी थी। तो माशाल्लाह आमिर भाई भी बैठे थे उधर ही हमारे साथ, तो आमिर भाई की दूसरी कॉल आ गई बशीर भाई को, तो उसको हमने कसेस भेज दिया, तेज की डिलीवरी थी उसके पास। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा काम हमारा चल गया। तो बशीर भाई की ख्वाहिश थी कि मेरे को आज अबू धाबी जाना है हर हाल में, तो अल्लाह ताला ने ट्रिप दे दिया हमें, बशीर भाई अबू धाबी से भी होके आ गए। दोस्तों ये कहने का, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपकी जो दिल में ख्वाहिश होती है ना, कभी कभी अल्लाह ताला जो है ना वो पूरी कर देता है और अल्लाह ताला सुनता है। मेरे दिल में भी ख्वाहिश थी, मेरे को 3 महीने में पहले बोल रहा था मेरे को एलैंड ट्रिप का चाहिए, एलैंड ट्रिप चाहिए, एलैंड का ट्रिप चाहिए। वैसे तो मैं गया हूँ, कितना बार गया हूँ, कंपनी में था पहले, काम करता था उधर गया हूँ, लेकिन पिकअप में नहीं गया। मेरे को बोला, मैंने बोला मेरे को चाहिए एलैंड का ट्रिप चाहिए। तो माशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट वीक में गया था, एलैंड गया था, अल्लाह ने वो भी ख्वाहिश पूरी कर दी। अभी बशीर भाई बोले गए। तो दोस्तों मकसद ये नहीं है कि ख्वाहिश होती है, मतलब दिल में एक वो होता है कि आज जो है ना इधर का ट्रिप लगे तो हम लोग इधर जाए, ठीक है। दोस्तों के पास यही बात कहनी थी आपसे कि अल्लाह ताला जो है ना जो आपके दिल में ना कभी कभी पूरा कर देता है, ठीक है ना। अल्लाह के घर देर है देर नहीं है, दिल से मांगा करें, जो चीज़ भी है दिल से मांगे। तो दोस्तों जो मेरी वीडियो को भी जो नए हैं दोस्तों वो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वीडियो भी लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें और हमें कमेंट में भाई का चैनल है व्लॉग बशीर अहमद, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जो आपको अच्छी वीडियो लगती है उसको भी कमेंट करें, हम लोग इंशाल्लाह रिप्लाई देंगे आपको। आप लोग भी बताना कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल में बात हो वो पूरी हो गया, तो कमेंट में लाजमी दोस्तों को बताना, बताना हमारी। ये जो दोस्तों हमने सामान जो है ना ले लिया, यही सामान है दोस्तों जो डिलीवर करा है हमने। तो देखते हैं कस्टमर लोकेशन भेज रहा है, इधर की लोकेशन मुझे लगता है तो अबू धाबी की है। ये सामान है दोस्तों, लोडिंग कर लिया जी, बॉक्स वगैरह जो भी है, अभी हम निकलेंगे।
उस ट्राली को भी शायद अपने साथ ले जाएं, पूछना है अभी कि ट्राली चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं जी, इंशाल्लाह जिधर जिधर पहुँचेंगे दोस्तों के साथ लाजमी वीडियो को लाजम शेयर करूँगा दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों कितना फूल जो है ना प्यारे लग रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है दोस्तों पूरी गिलास की बनी हुई है। ये सामने जो है ना कुरान मजीद बना हुआ है जी, ये लाइब्रेरी है, कुरान मजीद लाइब्रेरी मेरे घर में इसको नाम दिया गया है। सामने से बहुत इतने बार लोगों को नजर आ रहा होगा। बिल्डिंग है ये इलाका जो कहलाता ना बुर्ज खिलवाना टाउन टाउन कहलाता है, टाउन टाउन। आज एंड तक दोस्तों को कहना, अब वह भी तक जो भी अच्छी वीडियो आएगी दोस्तों की सलाह दें शेयर करेंगे। ये जी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है जी, न्यू ब्रिज बन रही है जी जबल अली के पास। आपको मेट्रो का वो बनना है दोस्तों, चिड़े जिकड़े रोहित। दोस्तों इधर कफ्तेरे के ऊपर रुके हैं जी जबल अली के पास, थोड़ा चाय वगैरह भी ले लिया दोस्तों। ये सुबह का नाश्ता हमने ले लिया जी जबल अली के पास, कफ्तेरे है जी उधर से ले लिया, अभी निकलेंगे दोस्तों। हमारी लोकेशन जो दोस्तों रहेगी आधे घंटे की रहेगी। आज जो है ना मेन रोड पर बहुत ही हवाएं तेज चल रही है दोस्तों, आपको रोड के ऊपर
हवाओं का खींचाव जो है ना बहुत ज़्यादा खींची, बहुत तेज हवा चल रही है जब हम रहेगी गेरों के ऊपर। दोस्तों अब हम खतरे के पास पहुँचने वाला जी, दोस्तों 10 मिनट की लोकेशन जो है रहेगी हमारी। सामने आ रहे जी 906 अभी दोस्तों हमारी डिलीवरी हो गई जी। हम लोग जो है ना दोस्तों वापस जा रहे हैं जी, इंशाल्लाह 1 घंटे में फिर दुबई पहुंच जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये अभी अबू धाबी का सारे कार है जी। वो सामने जो ब्रिज है दोस्तों वो 20 धर्म के नोट वाली ब्रिज है जी। ये टूल गेट हम क्रॉस कर रहे हैं, क्या खूबसूरत लगा रहा है दोस्तों। इंशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो दोस्तों के साथ ना दिन जो आप सीख लगाएंगे।